हमारा प्रथम शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब ग्रैटिट्यूड, ये दो चीज़ें क्षितिज के साथ कनेक्ट होती है, ग्रैटिट्यूड और स्वभाव। ये हमने प्रथम सत्र का विषय रखा है और दूसरा सत्र का विषय हमने रखा है रेडियंस, द इनर ग्लो। उसमें हम बातें करेंगे कैसे आपका इनर ग्लो जागृत हो। इस पूरे सदन में हम सब बहुत तैयार होकर आए हैं, सब सुबह अच्छे प्रेस्ड हुई साड़ी एकदम सबके अलग अलग है, हमारे भाई लोग भी अच्छे से तैयार होके आए हैं। तो सभी बहनों से अनुरोध है, मुझे नहीं पता भाइयों का क्या आप लोगों ने उपक्रम रखा है, एक ब्रह्मास्त्र है, मुझे नहीं पता सीक्रेट बुक किस किसने पढ़ी है। यहाँ पर एक भैया ने पढ़ी है, दो तीन, ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि बाहर अगर हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिले तो हम ले नहीं सकते कहीं पर भी। स्पेशली हमारे जैन धर्म में तो सारे गेट्स खुले हैं कि जहाँ से आपको एनर्जी मिले, ज्ञान मिले, पॉजिटिविटी मिले, हम लें। हालांकि लौटा ब्रायन ने तो अभी लिखा, जो भी आपको जीवन में प्राप्त करना है हम अगर उसके लिए शुक्रिया अदा करते रहे तो आपको शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग आपके अपने मन में, आप तकिए को बोलिए, खुद को बोलिए, बाजू में पेन को बोलिए, पेंसिल को बोलिए, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वाधान में तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा आज यहाँ पर क्षितिज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सेठिया जी मौजूद हैं, इससे बातचीत करते हैं। यहाँ पर और भी कार्यकारिणी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले नीलम जी से बातचीत करते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या मोटिव है, क्षितिज नामक जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है? क्षितिज असीम संभावनाओं का, क्षितिज जैसा कि अर्थ ही होता है होराइजन, जहाँ पर संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो आज हम इस कार्यशाला को लेकर लुधियाना महिला मंडल के बीच में आए हैं बहनों को मोटिवेट करने के लिए कि हमारा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अपने क्षितिज के पार हम कैसे जा सकते हैं, क्षितिज के पार क्या क्या संभावनाएँ हैं उसको हम कैसे उजागर कर सकते हैं। जो महिला मंडल है तेरा पंथ महिला मंडल, इनके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं समाज के प्रति? अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की एक सशक्त शाखा है लुधियाना महिला मंडल। तो आप देखिए पंजाब में लुधियाना में अनेक तरह के धार्मिक एवं सोशल काम ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल ही एक हॉस्पिटल के सामने कन्या सुरक्षा सर्कल का इन्होंने उद्घाटन किया, इन्होंने अनेक बेंचेस लगाई है। इसके अतिरिक्त भी ब्लाइंड डेफ एंड डम स्कूल में जाकर एक स्नेहम प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों को एजुकेशन मटीरियल प्रोवाइड करते हैं वो कार्य कर रहे हैं, स्कूलों में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एड टू होम हेल्पर्स जो हमारे घर में हमारे हेल्प करने के लिए हमारी मेड्स आती हैं उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन कैसे अच्छा बने बढ़िया बने उसके लिए भी ये निरंतर कार्यरत हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कर रही हैं। आप अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, बतौर अध्यक्ष आपको कितना समय हो गया इस संस्था से जुड़े और कितने समय से आप यहाँ पर समाज भलाई के कार्य कर रही हैं? मुझे इस संस्था से जुड़े हुए 16 साल हो रहे हैं, 15 वर्ष पूरे होने के बाद में मैं इस संस्था के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी परिपक्वता के बाद ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास 550 शाखाएं और 70,000 महिलाएं हैं। हमें उन 550 शाखा मंडल को पोषण देना है जिसमें जहां मुंबई दिल्ली चेन्नई बैंगलोर जैसी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं तो वहीं पर जगराव मानसा भीकी जैतो मंडी जैसी छोटी छोटी शाखाएं भी हैं। हमें अगर महानगर के सदस्यों का पोषण देना है तो हमारे छोटे शाखा मंडल के हर सदस्य को पोषण देना है। तो ये जब हमारा उद्देश्य होता है कि हर तबके के लोग, हो सकता है हमारे बीच में कोई PhD भी है और हमारे सदस्यों में कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो 5th pass है 7th pass है, हमें उन सारी बहनों को एक साथ रखकर उनके सबके विकास में योगभूत बनना है। तो जब हम इतने बड़े दायित्व को लेकर साथ में चलते हैं तो जब वर्षों का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ अगर ना हो तो हम सारी बहनों का विकास एक साथ नहीं करवा पाएंगे।
करेंगे, तो ये मेरा इस संस्था में 16वां साल चल रहा है। आप एक सशक्त महिला हैं और आजकल के ज़माने में जो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, आगे चलकर वो भी अपने घर से बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं, लेकिन वही कुछ महिलाएं होती हैं जो घर के कामकाज के चक्कर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि अपने सपनों को ही अंदर मार लेती हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? कल भी हमने मानसा, आपके लुधियाना के पास का ही क्षेत्र है, वहाँ पर इस विषय में ही बात कर रहे थे। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि घर में जो हम काम कर रहे हैं उसे हम कम ना समझें। जब हीन भावना और कुंठा तब आ जाती है जब हम जो कार्य कर रहे हैं उसे हम कमतर मानना शुरू कर दें कि हम वी आर वर्थ फॉर नथिंग। उनसे पूछा जाता आप क्या करते हो, अच्छा सिर्फ घर में बैठे हो, तो क्या घर में बैठना कोई कम बात है? हम पेमेंट भी नहीं लेते और 24/7 काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि घर में अगर हम काम कर रहे हैं इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी से कम हैं, बिकॉज वी आर होम मेकर्स। दूसरी बात, अगर हमारे सपने हैं कि हमें कुछ काम करना है, बाहर जाना है, काम करना है, तो उन सपनों को हमें पूरा करना ही है। कैसे पूरा करना है? देखिए, हमारी शादी होती है, एक बीज जब ज़मीन में जाता है वो जाते ही अपनी जड़ों को नहीं पकड़ता। अगर हमारी शादी के 1-2 साल हम अपने परिवार को दे दें, वहाँ हम अपनी जड़ें जमा लें और उसके बाद में थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल जाएं। आपकी नींद जो हमें 8 घंटा लेनी थी उसकी जगह अगर हम 6 घंटा नींद ले लें तो कोई मुश्किल नहीं है अपने सपनों को जीने में, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते और फिर दुनिया से कहते हैं कि हम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पाए। जहां चाह होती है वहां राह होती ही है, आज नहीं तो कल राह बनेगी, लेकिन विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। आप महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं, लेकिन आजकल के टाइम में देखा जा रहा है कि जो घरेलू हिंसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसके पीछे क्या क्या कारण समझते हैं आप? ऐसा मैं समझती हूँ कि घरेलू हिंसा काफ़ी मायने में कम हुई है, ये नहीं कहती कि बंद हो गई, लेकिन काफ़ी मायने में कम हुई है। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घरेलू हिंसाएं कम होगी। देखिए, पुरुष प्रधान समाज आज से नहीं है, हमारे सतयुग के ज़माने से पुरुष प्रधान समाज चला आ रहा है, तो क्रांति कोई 1 या 2 दिन में, 2-4 सालों में या 10-20 सालों में नहीं आ सकती। क्रांति आई है, हमने 30% बदलाव आया है, लेकिन अभी भी 70% आप देखिए, जहाँ जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वो घरेलू हिंसा के शिकार कम होते हैं। घरेलू हिंसा के शिकार वो लोग हो रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है। तो जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी ये घरेलू हिंसाएं भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कम होगी। और इसके साथ ही साथ हमारा महिला मंडल सेल्फ डिफेंस के काम करता है, अगर हम उसका उपयोग ना भी करें लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे वो हमारे पति हो, चाहे वो हमारे पुत्र ही क्यों ना हो, अगर उन्हें पता है कि ये सेल्फ डिफेंस में माहिर है, वो घरेलू हिंसा हाथ उठाने में एक बार का डरेंगे। तो हम माताओं को, हम बेटियों, हमारी बेटियों को हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करना है, ये अगर हमारा उद्देश्य रहा तो घरेलू हिंसा को हम कम कर पाएंगे। जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें ये एक संदेश, पंजाब में हम पिछले 4 दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब में अनेकों महिला मंडल हैं और अन्य भी महिलाओं से, काफ़ी पंजाबी महिलाओं से भी हमारा मिलना हुआ है। पंजाब की महिलाएं एकदम दबंग महिलाएं होती हैं और कुछ भी कार्य करने का जज्बा जो हमने पंजाबियों में देखा है वो अन्यत्र नहीं देखा, क्योंकि पूरे देश का भ्रमण हम करते हैं, 1 महीने में 20 से 25 दिन की यात्रा हम करते हैं, दैट मीन्स हमने पूरा भारत और नेपाल कवर किया है। तो पंजाब का उत्साह और पंजाब का जो दबंग स्वभाव है वो अपने आप में अनूठा है। बस हमें उस उत्साह को, वो जो हमारे भीतर दबंग नेचर है, उसे प्रोडक्टिव वे में लगाना है, एक दिशा निर्धारित करनी है जीवन की कि आने वाले 1 साल में हमें कौन से लक्ष्य तक पहुंचना है। हम दबंग हैं, हमारे भीतर उत्साह है, फिर कमी कहाँ? कमी हमने हमारे लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया। तो आज इस क्षितिज कार्यशाला से मैं ये आगाज करना चाहूँगी कि बहनें अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जीवन में वो क्या प्राप्त करना चाहती है उस केंद्र बिंदु पर अपनी नज़र को रखे और उसके बाद में उस दिशा में आगे बढ़ती जाए, तो हमारे क्षितिज की असीम संभावनाएँ खुलती चली जाएगी।
जैसा कि आपने सुना, नीलम सेठा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंडल की हैं और यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं और ये सभी सशक्त है कहीं ना कहीं अपने में। और आपको भी हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप एक औरत हैं और आपके कहीं ना कहीं जो सपने अधूरे हैं उनको बाहर निकलिए, पूरा कीजिए और अपने मन में कोई भी बात को दबा के मत रखिए। और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी।